कौन आ रहा है? या तो परिवार बचाने के लिए, ठीक कहा सुशील जी, नहीं तो अपनी भ्रष्टाचार बचाने। और बिहार भी एक अनोखा प्रदेश है, सुशील जी को मैं लड़ते हुए देखता रहा हूं, बिहार के विधानसभा में इनको लड़ते हुए मैं देखता रहा लंबे समय से। साथियों मैं देखता रहा कि आज जो स्थिति है, 1997 में पूरे देश में पहला कोई मुख्यमंत्री यदि अपने पद पर रहते हुए कोई जेल गया वो भी बिहार ही था, कोई दूसरी पार्टी का सरकार नहीं था। लोग कहते हैं ना सीबीआई ईडी, अरे भैया तो बिहार में सीबीआई और ईडी किसने लाया और किसकी सरकार थी? जनता दल की ही सरकार पूरे देश में थी, यूनाइटेड फ्रंट के नेतृत्व, जो एक फ्रंट बना, और 44 सांसद की पार्टी की सरकार थी, और लालू जी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पहली बार सीबीआई की इंट्री हुई, चारा घोटाला में स्कूटर पे लोग गाय भैंस चढ़ा रहे थे, वो भी एक अनोखा था कि जिस कम्युनिटी में जन्मे थे उसी कम्युनिटी के चीजों को खा गए। तो चलिए वो तो अपने जगह है, लेकिन आप जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उसका मूल कारण है ये सारे लोग भ्रष्टाचारी मिले, कोई विकास से इनको लेना देना नहीं है। आज यदि चाय के दुकान पर आप चले जाएंगे तो लोग कहेगा कि आरक्षण की बात कीजिएगा, कहेगा करे आरजेडी वाला सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थक है, 15 साल में आरक्षण नहीं दिया, लेकिन जब जब भाजपा सरकार में रही साथियों तब तब बिहार में आरक्षण देने का काम किया साथियों, सभी वर्गों को, एक वर्ग छूटा नहीं। लेकिन अब बिहार को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और बिहार आगे बढ़ेगा, आदरणीय सुशील जी और हमारा पूरा नेतृत्व यहां बैठा है, स्पष्ट तौर पर जब जंगल राज को समाप्त करना था, आतंक राज को समाप्त करना था, तो नीतीश कुमार जी को पूरी तरह भाजपा के लोगों ने समर्थन दिया। कांग्रेस के राज को समाप्त करना था तो कपूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा जिस तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश के निर्माण में बलिदान देने का काम किया, उसी तरह भाजपा के कार्यकर्ता बिहार में बदलाव के लिए सब दिन कुर्बानी देने का काम करते रहे।